औरैया में महिला से अभद्रता करने वाला दरोगा हुआ सस्पेंड। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। सुशासन के नाम पर फिर से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही बन गई है, लेकिन जब आप इस सरकार के दरोगा का वायरल वीडियो देखेंगे तो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मामला है औरैया जिले के दिव्यापुर थाने के एक दरोगा का, जिसने उस सुशासन को तार तार कर दिया। मृतक के परिवार के साथ सहानुभूति की जगह दरोगा थाने में तंबाकू खाते हुए जमकर फटकाता है और मृतका की पत्नी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर देता है। मृतक की पत्नी का सिर्फ इतना पूछना था कि जिस ट्रैक्टर की टक्कर से उसके पति की मौत हुई थी वह थाने से कैसे छूट गया। फिर क्या इस बात पर दरोगा जी आपाक हो बैठे। थाने में बैठे सब इस दरोगा की तानाशाही देखते रहते हैं, लेकिन बोल कोई कुछ नहीं पाता है। आखिर नाम भी तो विशंभर पांडे है, जो खुद को थाने का दबंग फिल्म का चुलबुल पांडे समझते हैं। उसी अंदाज में महिला से सलूक करते हैं, लेकिन चुलबुल पांडे बने दरोगा जी ये भूल गए ये फिल्मी रोल नहीं है। फिर क्या इसी भूल का थाने में मौजूद किसी अन्य फरियादी ने दरोगा जी का तंबाकू खाते हुए महिला से अभद्रता करते वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए SP ने दरोगा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया, साथ ही CO City की जाँच सौंप दी। 11 मार्च ईट लाद कर जा रहे ट्रैक्टर ने विजियम कॉलेज दिव्यापुर के पास बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सहायल के गांव पुरवा छमा निवासी प्रताप उर्फ बलवंत की मौके पर ही मौत हो गई थी। चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ट्रैक्टर थाने ले गई थी। परिजनों में कोहराम मच रहा था। अब मृतका की पत्नी हादसा करने वाले ट्रैक्टर का पता करने आई थी तो थाना दिव्यापुर में दरोगा विशंभर पांडे ने ट्रैक्टर कोर्ट से छूट जाने की बात कही। बस ट्रैक्टर को छोड़ने की जानकारी करने पर महिला को जमकर हड़काया, इसके अलावा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। दरोगा जी सीट पर बैठे तंबाकू भी थूकते जा रहे थे। पूरा थाना ये सब देख रहा था, लेकिन कोई इस पर बोल नहीं रहा था। लेकिन किसी ने वीडियो बनाकर देर रात वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में पुलिस की इस कार्यशैली की जमकर किरकिरी हो रही है। सोशल मीडिया पे थाना दिव्यापुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि थाने पे तैनात सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे द्वारा थाने पर आई एक पीड़िता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और गाली गलौज की जा रही है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते हुए जाँच CO City को दी गई थी, जिनकी जाँच रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी गई है। साथ में उस पीड़िता महिला की सुनवाई हेतु CO City को निर्देशित किया गया है, जो उस महिला का पक्ष सुन करके गुण दोष के आधार पर उसकी कार्रवाई करेगी।